अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पंप आएगा और 58,300-58,400 से ये ऊपर गया, बल्कि 57,860 इसने लो लगाया बिटकॉइन ने, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ $69,000 पर ये टच कर गया है। तो ये $1,100 आपको क्विक प्रॉफिट देकर जा रहा है, और हो सकता है इससे थोड़ा बहुत और भी ऊपर चला जाए। आज की वीडियो में बात करेंगे हम टॉन कॉइन के हवाले से, नॉट कॉइन के हवाले से, और साथ में डॉग्स कॉइन के हवाले से, क्योंकि जो टॉन के टेलीग्राम के जो सीईओ हैं डोरव, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और फाइनली आपने देखा होगा, अगर मैं आपको टॉन कॉइन पर क्लिक करके दिखाऊं और आपको जाकर आगे दिखाऊं, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये एकदम से इसके अंदर और पंप अच्छा खासा आया और ये ऊपर गया। लास्ट 24 आवर्स में अगर हम इसको देखें तो इसने $5.98 इसने अभी हाई लगाकर ये नीचे आ रहा है। एक घंटे की कैंडल अगर मैं ओपन करूं तो ये आपके सामने देखें कितनी बड़ी कैंडल ओपन हो रही है, कि ये $5.98 इसने लो लगाया। एक चीज़ तो बहुत अच्छी मैंने इसमें देखी है कि ये इसने 5 का फिगर नहीं तोड़ा। टॉन कॉइन ने जितनी मर्जी बैड न्यूज़ आई हैं, जो मर्जी हुआ है, हालांकि टेलीग्राम का सीईओ अरेस्ट हुआ है, टेलीग्राम का ही ये कॉइन है टॉन, और टॉन ब्लॉकचेन पूरी है, ये डाउन नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज इनके लिए गुड न्यूज़ थी कि उसको जो है ना वो रिलीज़ कर दिया गया, ये पूरा उसको रिहा नहीं किया गया, ऐसे ही न्यूज़ ऐसे चल के आई, इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय किया और मज़ीद ये ऊपर चला गया। अब इसके बारे में भी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये नेक्स्ट मूवमेंट क्या करने जा रहा है, और नॉट कॉइन के हवाले से भी और डॉग्स कॉइन के हवाले से। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ज़रूर आपने पूरी सुननी है, देखनी है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपके पहले कमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। मोहम्मद उमर भाई कहते हैं, ब्रदर इन नेक्स्ट वीडियो मस्ट डिस्कस अबाउट विफ कॉइन। विफ कॉइन थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, उसके बाद फर्दर ये ऊपर जाएगा। मार्केट दोस्तों ऊपर जाना स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, उसके बाद कमेंट है, देख ली वीडियो, किरण कहती हैं ठीक है जी, प्लीज़ अपडेट बीटीसी की अपडेट दे दी। दानिश भाई ठीक हो गया टीचर जी, सर सेम ऐसा ही हुआ जैसा आपने बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। फ्यूचर के $50 सिग्नल की फ़ीस है, और स्पॉट की $20 फ़ीस है, ऑफ़र लगी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। टॉन कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन उभर कर सामने आएगा, आप लोग सब्र करें, और नॉट कॉइन भी और डॉग्स भी ज़ाया मत नहीं कीजिएगा, आपको ज़ाया नहीं करेगा ठीक है। अच्छा, अब इसमें और जो कमेंट्स आए हैं वो हैं, सर आपकी वीडियो हाफ देखी थी तो ख़रीद लिया और प्रॉफिट लिया, वो वाह भाई वाह क्या बात है, मुबारक हो आपको। सर बिटकॉइन पर कैट्स कॉइन की क्या प्राइस चल रही है जो न्यू लॉन्च हुआ? जी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा, सुबह मेरी जो वीडियो है ना, आपने 10 बजे वाली वीडियो इंशाल्लाह कैट कॉइन के ऊपर आएगी, और मैं आपको बताऊंगा कैट कॉइन कौन सा नेक्स्ट बाइनांस पर लिस्ट होने जा रहा है, और आप लोगों ने इसको अगर ख़रीदना है तो आप कहाँ से उसको पहले ख़रीद सकते हैं। बहुत बड़ी वीडियो होगी सुबह 10 बजे वाली, तो आप लोगों ने ये ज़रूर जो है ना वो देखनी है, और फ्री में आप लोग वो कैट कॉइन्स कैट एयर ड्रॉप्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर एफर्ट्स, बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम सर। तोशी कॉइन के बारे में बताएं, कौन सा कॉइन ज़बरदस्त एनालिसिस पर बताएं कि डॉग को सेल कौन से प्राइस पर, अभी नहीं करना 19 पर करना है। थैंक्स वेलकम जनाब, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ठीक है जनाब भाई, प्लीज़ अभी को बता दिया जी, होल्ड करो, एग्जिट ना करना। अच्छा जी, उसके बाद ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया, हार्ट भेजे मोहम्मद यासीन ने, बहुत शुक्रिया, गुड प्रॉफिट इन डॉग्स, गुड एनालिसिस सर, गुड थैंक्स, वेलकम जनाब। गुल शफीक साहब, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद यासीन, हार्ट भेजने का, फर्स्ट व्यूअर भी आप हैं भाई, लव यू टू जनाब, लाइक डन, बहुत शुक्रिया जनाब, आप सबका मोहब्बत करने का शुक्रिया, लेकिन लाइक लाजमी किया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, फाइनली आपके सामने BTC हमें थोड़ी बहुत रिकवरी करता नज़र आ रहा है, और ये अच्छी बात है, रिकवरी होनी भी चाहिए, मार्केट बहुत ही डंप हुई। अब मैं आपको बताता हूँ टॉन कॉइन के हवाले से, और साथ में मैं आपको बताता हूँ इसका जो है ना वो
नॉट कॉइन के हवाले से और साथ में इसका टॉक्स कॉइन के हवाले, तीनों के बारे में इंशाल्लाह हम बात करते हैं। दोस्तों इसको रिलीज़ तो कर दिया गया है टेलीग्राम के सीईओ ने, अब इसको पुलिस की स्टडी से रिलीज़ किया गया है, लेकिन ये कोर्ट की कस्टडी में रहेगा और जो इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो कोर्ट, फ्रांस की कोर्ट जो है ना वो करेगी। पुलिस की कस्टडी से ये निकल गया, एक किस्म की टेंशन उसके सर से आधी से ज़्यादा निकल गई है। ये रशिया अंदर इन्वॉल्व हुआ है, यूएई इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है ना वो टेलीग्राम के ये सीईओ को जो है ना वो रिलीज़ कर दिया गया है। ये अगर आप इधर आकर सर्च करें तो ये लेंगे, पहली ही वेबसाइट जो ओपन कर, जो भी है हैज़ बिन फ्रीड फ्रॉम कस्टडी विल अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में हाज़िरी हुई है उसकी और इसकी पुलिस की कस्टडी से फाइनली वो जो है ना डोरव को रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, और ये उभर कर सामने आ रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी जो है ना वो कम्युनिटी होनी चाहिए, पॉपुलर तो बंदे को ऐसा होना चाहिए ना कि पैसा भी हो पास और बंदा पॉपुलर हो, कि आप जब दुनिया आपको पकड़े किसी बात पर तो, लेकिन आपकी सपोर्ट करने वाले ज़्यादा हों और कोई भी आपको पकड़े तो इतना पॉपुलर इंसान को होना चाहिए। तो ये टॉन कॉइन आपके सामने है, टॉन कॉइन इस यहाँ से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और मैं इसकी प्रोडक्शन कर रहा हूँ $7 की। आपको ये 2 से 3 दिन लग जाए, एक हफ़्ता लग जाए या सितंबर का फर्स्ट वीक लग जाए, यहाँ से $7 होने को होने पर इसको कोई नहीं रोक सकता। क्विकली भी जा सकता है, एक दिन में भी जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल चलना है। इसने टॉन की ब्लॉकचेन मज़बूत ब्लॉकचेन है, कहीं नहीं जा रही, ये आज इसकी अपग्रेडेशन भी हुई है, लेकिन अब ये न्यूज़ आने के बाद एक दफ़ा से ऊपर गया है। $6 तो इसने राउंड अबाउट लगा दिया, $5.18, लेकिन यहाँ से पंप मजीद करेगा जैसे ही कोई फर्दर डॉलर के बारे में न्यूज़ आई। ऐसे ही मैं आपको डॉग्स के बारे में बताता चलूँ, डॉग्स ऊपर गया फिर फाइनल डाउन आया और अभी ये थोड़ी देर पहले यहाँ ये डाउन आया 1360 से, लेकिन लोगों ने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसको यूटिलाइज़ लाजमी कर लें। ये प्राइस भी अच्छी है लेकिन नीचे आए तो और अच्छी है, और ये 19 तक लाजमी जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो कॉइन है जो कि आप लोगों को लाजमी उसकी अपडेट चाहिए होती है, नॉट कॉइन, नॉट कॉइन 89 पर इस टाइम मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 सिफर के बाद, और ये 1 सिफर किल करता ईजीली दिखाई दे रहा है। 11 तक ये जाता है, 1 सेंट से ये ऊपर जाता है मुझे दिखाई दे रहा है, और चंद घंटों में भी जा सकता है, चंद दिनों में भी जा सकता है, लेकिन बात करने का ये मकसद है कि ये गुड न्यूज़ आने के बाद ये जो टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी ये कॉइन्स हैं टेलीग्राम के थ्रू ये वजूद में आए हैं, जिसमें नॉट कॉइन है, जिसमें डॉग्स कॉइन है, यकीन माने ये सारे के सारे जो है ना वो आपको पंप करते दिखाई देंगे, और मार्केट भी इंशाल्लाह आपको देखिएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती ही दिखाई देगी, बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा पैनिक लोग होंगे, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, और मार्केट देखें जितनी भी डाउन गई है, आप लोग इमेजिन करें कि बिटकॉइन 57,000 कितना गया है, $57,860, लेकिन टॉन कॉइन आपको $5.40 से भी नीचे नहीं जाता दिखाई दिया होगा, ना नॉट कॉइन इतना गया। डॉग्स में थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको करेक्शन देखने को मिली, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप गया था, लेकिन टॉन कॉइन बहुत ही इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा BTC ने और रिकवर किया तो मैं बहुत होपफुली हूँ इसके बारे में कि टॉन कॉइन बहुत अच्छी रिकवरी करके हमें आने वाले वक्तों में दिखा कर जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और बाकी मैं बार बार बता दूँ कि कोर्ट की स्टडी में कस्टडी में वो आ चुका है, रिलीज़ वो कहाँ से हुआ है, पुलिस की कस्टडी से, लेकिन अभी वो अरेस्ट है, ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल रिलीज़ हो गया। लोगों ने यही समझकर टॉन कॉइन को बाय किया, डॉट को, डॉग्स को पंप आना शुरू हुआ, लेकिन बाद में जब उनको न्यूज़ का पता चला तो फिर फर्दर ये थोड़ा बहुत डाउन साइड पर आया, इधर जो है ना वो ट्रेड करें, नो प्रॉब्लम इज़ दैट, इंशाल्लाह ताला ये ऊपर जाते हमें दिखाई देंगे। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज एजुकेशन वीडियो, मैं आपका प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।